Badal, what have we missed? Wait, I'll tell you what I observed. Uh-huh. Lakshay holding Anika's dress. I'm saying, you know, winning cures a lot of things. है ना सर वो मेरे को लग रहा था यहाँ पे फंबल होके गिर ना जाए इसलिए कह रहे तुम्हें बड़ी फिकर है अनिका फील्स नाइस नो लक्ष्य इज बीइंग अ जेंटलमैन पहली बार देख रही हूँ सर तो चीजें चेंज होती हैं यार और फिर बाद में बदल गई तो यहाँ भी ताने शुरू यार क्या बोलूँ भाई हाउ इज इट गोइंग जशवंत आई लाइक योर अटायर व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट Thank you so much sir. तो मैं कूक से हूँ and वहाँ का traditional outfit ये होता है we wear for very special occasions तो हम डोम में हैं very cool yeah wow. डोम session हमेशा special occasion ही है सबके लिए good you look very nice today thank you very, so much ma'am very very snackable so I want to know what is the update Kashish दिन में your mental state was not the best Is it a little better? हुआ क्या ना कि मैं थोड़ी overwhelmed हो गई थी. Of course. That's it. Otherwise तो मुझे ऐसे छोटी-छोटी बातों से फर्क पड़ता नहीं है. But क्योंकि ऐसे-ऐसे लोगों से सुनने को मिला जो मैं expect ही नहीं कर रही थी, तो अचानक से like my heartbeat rose and ना मेरे सन में झंझनाहट से शुरू हो गई थी. So yeah. तब से लेकर अब तक आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है सोचने का टाइम मिला है सो हाँ मेरे पास सोचने के लिए काफी टाइम था एंड क्लैरिटी तो नहीं मिली जब आपने सुना कि ओ ऐसा ऐसा हो रहा है माई ओन कनेक्शन इज ट्राइंग टू फक मी ओवर और आपको मेरी इतनी फिक्र हुई तब क्यों नहीं आके बोला अब जब ऑलरेडी सब चल रहा है तो बहती गंगा में हाथ धोने क्यों आ गए Maybe that's their game plan. जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगी रुशाली आई मेरे पास और उन्होंने मुझे आफ्टर ऑल कॉन्वर्सेशंस ये एक पर्टिकुलर बात बताई कि द अदर डे एडियोर में बात कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि क्या कशिश तेरे टाइप की है एंड उसने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं शी इज़ नॉट माई टाइप तो लाइक डू यू लाइक हर एंड ऑल एंड ही सेड कि नो एंड देन उसने बोला कि उन्नति मेरे टाइप की है Can I clarify one thing? Yes, please. Okay, so Kashish, मैं आपके पास जब आई थी ये जो बात मेरी और एडी की हुई थी एक दिन पहले ही हुई थी तीन चार दिन पहले नहीं हुई थी कि मैं आपके पास नहीं आई ठीक है और मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी थी और मुझे पता भी नहीं था ये टॉपिक इतना आएगा और मैंने इसलिए ये बात आई नो सबके सामने चैलेंज पे बोली भी नहीं थी और मैं जब आपके पास आई मैंने आपको ये भी बोला था कि इसलिए मैंने वहाँ क्योंकि बहुत फन में हुई थी हम लोग फन में बात करते मेरे ये भी वर्ड यूज किया दैट इज आई एम नॉट ब्लेमिंग यू ना आई सेड आपने अच्छे इंटेंशन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल तो जो बोल रहा कि इतना सब को टॉपिक हो गया उसके बाद में आई मेरा वो इंटेंशन नहीं था देयर वाज नो इंटेंशन लाइक कि मैं कुछ भरने आई थी या कुछ बोलने आई थी आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग दैट